नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के तमाम महाविद्यालयों में प्रत्यक्ष प्रणाली से ही छात्र संघ चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी की निजी इच्छा तो यही बता रही है। उन्होंने व्यक्तिगत इच्छा बताते हुए पत्रकारों से कहा कि वे चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम महाविद्यालयों में प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव कराए जाएं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा समिति का सदस्य बनाए जाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मध्य प्रदेश के कई भाजपा नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। मानना है कि 100% प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत मंशा है। अधिकारियों को इस पर परीक्षण का निर्देश दिया था, उन्हें एक रिपोर्ट बनानी, रिपोर्ट आने वाली। कमलनाथ जी हमेशा से इस भावना को कि परिवार के लोगों को रोजगार मिले, हर स्केल पे मिले, हर श्रेणी के मिले, पीएससी के एग्जाम जल्दी से रिक्रूटमेंट हो, इस तरह की प्रोसेस पूरी कैसे जल्दी से हो, इस पर काम करते रहते हैं। उनकी जो यूएसपी मोटिव है सिर्फ और सिर्फ बच्चों को रोजगार और आर्थिक उन्नति, समृद्ध मध्य प्रदेश। दो बातें हैं, प्रियंका का जो मुद्दा है वो सर्टिफिकेट का मुद्दा, कराटे एसोसिएशन केंद्र में जो राष्ट्रीय होती है उनके आपसी झगड़े के कारण नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे को मैंने जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सम्मिट हुई थी, जिसमें देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिजिजू भी आए थे उनकी अध्यक्षता में, तब भी उठाया था। आपको उसका वीडियो सारे टेलीविजन ने चलाया भी है, अभी आप चाहोगे तो मैं आपको फिर से दे दूंगा। तो बात इतनी है कि इसमें प्रियंका के मसले पे हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर का हिस्सा है। केंद्र की सरकार ने, केंद्र के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसको जल्दी से तुरंत संज्ञान में लेके जितनी भी स्पोर्ट्स के ऐसे संगठन हैं, जितनी भी फेडरेशन है, इनके झगड़े को खत्म करना चाहिए, जिससे खिलाड़ियों को इस तरह की नौबत ना आए। मध्य प्रदेश की बेटी का हो रहा है, इसलिए मैं इसको लेकर रिजू जी से मैंने बात की है और अभी 24 तारीख को फिर करूंगा। लोकतंत्र को चुनौती देंगे। आप ये देखो, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमेशा उनकी कार्यशैली, उनके विचार, उनके विचारधारा में लोकतंत्र और संविधान को धत्ते दिखाना उनकी कार्यशैली बन गई है। भैया किसने उनको क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 2 साल से ज़्यादा जिसको सजा होती है उसको आपको किसी भी संवैधानिक पद पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की पालना करनी पड़ती है। वो की अब आप तथ्यों पर जाओ, नियमों पर जाओ, कानून के संबंध जाओ, अदालत से निर्णय लो, अदालत से डिसीजन करवाओ, तो एक बात है। आप बस, हम चूंकि सत्ता में है, केंद्र में, हम हठधर्मी हैं, हम अपना काम करेंगे, विरोध करना है अपनी बात। असल बात यह कि इन लोगों के जो 4-5 नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, सीएलपी लीडर, ये क्या नाम है इनका, ये अपने दतिया वाले नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजय, इनमें आपस में बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है। इनके पीसीसी चीफ जो भी है, इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, तो ये कैसे हम किसी जिस मुद्दे को मुद्दा ही नहीं है उस पर मुद्दे पे लीड लें? मुद्दों पे तो कोई बात करते नहीं, अर्थव्यवस्था पे कोई बात करते नहीं, बेरोजगारी पे कोई बात करते नहीं, कृषि के आधारित वर्ग पे कोई बात करते नहीं, बस छोटी मोटी छुटभैया नेतागिरी करने में लगे रहते हैं। कानून के हिसाब से जो निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ने लिया, लिया, कानून के हिसाब से आगे का जो निर्णय होगा वो लेंगे। कोई किसी प्रकार की जिद या दुर्भावना नहीं है, ये कांग्रेस का विचार दुर्भावना वाला विचार है। नीति करना चाहते हैं, मेरे को नहीं लगता कि उसका रास्ता ये है। लोधी जी के सदस्यता को बहाल कराने का रास्ता ये नहीं है। मोदी जी, लोधी जी की सदस्यता कानून से, कोर्ट से, संविधान के अनुरूप बहाल हो सकती है या नहीं हो सकती, वो निर्णय कोर्ट लेगा। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान एवं सक्रिय नेता श्री जीवन शर्मा को धुंधत का जिला मंदसौर से भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु घनश्याम लोहार, मंडल महामंत्री, युवा मोर्चा, धुंधत का मंदसौर।